हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो गाइस यार, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी जो नॉवल होती है, देखो यार, कोई भी राइटर है, पॉकेट एफएम के ऊपर या फिर राइटर नॉवल के ऊपर, कोई भी राइटर नया आता है तो उसको नहीं पता कि भाई मैं नॉवल लिख रहा हूँ, उस पर व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, ठीक है, लेकिन व्यूज उस पर काफी अच्छे आ रहे हैं, तो क्या मेरी नॉवल एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी, उसको नहीं पता कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही चीज बताने वाला हूँ कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी जो नॉवल है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। देखो यार, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन आती है परफॉर्मेंस की। अगर आपकी स्टोरी जो कॉपी है या फिर कोई और है, लाइक एडल्ट कॉन्टेंट है या फिर बहुत सारे और भी चीजें होती है, तो अगर वो फॉलो नहीं है तो हाँ, तो रिजेक्ट होगी ही होगी। लेकिन अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस का एक इश्यू चल रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, बाकी हर एक चीज आपकी परफेक्ट है, परफॉर्मेंस आपको नहीं पता कि भाई अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, तो वहां पे आप कैसे पता करोगे कि भाई मेरी नॉवल जो है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई हम किस तरीके से पता कर सकते हैं खुद से ही कि हमारी जो नॉवल है वो एक्सेप्ट होने वाली है रिजेक्ट होने वाली है। तो चलते हैं फटाफट से मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से कर लेना, और क्योंकि जो भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन यार आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपको अपना राइटर नॉवल एप्लीकेशन ओपन करनी है। उसके बाद ऊपर की तरफ अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एनालिटिक्स, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे तो देखो ओवरव्यू में दिख रहा है कि डेली एक्टिव यूज़र परसेंट दिखा रहा है, क्योंकि गाइस इस पर मैंने बहुत टाइम से नॉवल ही कोई अपलोड नहीं किया, यानी कि कोई चैप्टर ही अपलोड नहीं किया है। ये वाला जो अकाउंट है सिर्फ मैंने दिखाने के लिए बनाया हुआ है कि हाँ भाई जो भी चीज़ें होती है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर जो ओवरव्यू और यहाँ पे एक एंगेजमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसका हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, इसमें कुछ नहीं हम लोगों को दिखेगा। हमको जो देखना है वो देखना है एंगेजमेंट वाले ऑप्शन पे। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है डाटा, मतलब थोड़ा सा लोडिंग लिया, उसके बाद में दिखा रहा है इस तरीके का वैलिड रीडर्स। देखो यहाँ पे एक दिखा रहा है ब्लू कलर, एक दिखा रहा है ग्रीन कलर। योर नॉवल वैलिड रीडर्स प्लेटफॉर्म एवरेज नॉवल, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो गाइस नॉवल है वो हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, तो इसमें हम लोगों को कोई आगे कुछ काम भी नहीं करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये आ रहा है जो हमारी नॉवल पे व्यूज़ आ रहे हैं या रीडर्स आ रहे हैं, ये उसकी डिटेल है, ये जो ब्लू वाली है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली है ये है नॉवल जो परफॉर्मेंस, ये जो राइटर नॉवल है वो जो परफॉर्मेंस आपसे चाहता है कि इतनी परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए। तो जब आप लोगों की जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये या तो इससे मिलते हुए चले या फिर इससे थोड़ा ऊपर होते हुए चले या फिर इससे ऊपर ही रहे, तब जाके आप लोग श्योर हो सकते हो कि हाँ भाई मेरी नॉवल जो है वो परफॉर्मेंस के मामले में जो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इससे नीचे, जिस तरीके से ये लाइन है ग्रीन वाली ऊपर है लेकिन ब्लू वाली नीचे है, अगर इस तरीके से, तो आपकी नॉवल जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और जब तक ये जो लाइन है आपकी ये इस ग्रीन लाइन से ऊपर नहीं जाएगी तब तक आपकी नॉवल जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो खुद से कि भाई आपकी जो नॉवल है वो एक्सेप्ट हो सकती है परफॉर्मेंस के मामले में या फिर नहीं हो सकती है। हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में एक्सेप्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो चीज़ आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप लोगों को सिर्फ राइटर नॉवल एप्लीकेशन में आना है, उसके बाद में अगर डेस्कटॉप साइड में अगर आप लोग इसको ओपन करते हो तो आपको साइड में, इधर की साइड में ऑप्शन दिख जाएगा एनालिटिक्स का। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करते हो इसको, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप लोगों को क्या करना है कि अपनी जो नॉवल है वो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जो भी आपकी नॉवल है यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, इधर की साइड में जो ब्रैकेट दिख रहा है नॉवल का नाम आ जाएगा जो भी नॉवल होगी, ठीक है। उसके बाद में नीचे डिटेल आ जाएंगी, एक तो ओवरव्यू और सेकेंड नंबर इंगेजमेंट। तरीके से जो है आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी नॉवल जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। नीचे भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे रीड्स का आ रहा है ये, तो ठीक है, तो इसका हमको मैटर नहीं है ज़्यादा। हम लोगों को जो डिटेल चेक करनी है कि एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, वो सिर्फ हम लोगों को इसी से पता चल सकता है, इस ग्राफ से, ठीक है। अगर ये ब्लू कलर का ऊपर जा रहा है तो आप इस बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ
कि आपकी जो नॉवल है वो एक्सेप्ट होगी ही होगी अगर ब्लू लाइन ग्रीन से ऊपर है, यानी कि इस एरिया में अगर आ रही है। लेकिन अगर इस एरिया में आ रही है तो गाइज़ आपका नॉवल जो है वो बहुत ही 0.01% चांसेस है कि आपकी नॉवल नॉवल एक्सेप्ट हो पाए, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जा रही है तो बहुत बढ़िया बात है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी नॉवल जो है यहाँ कंटिन्यू इससे ऊपर ही चलनी चाहिए, नहीं यार। अगर ये इतना जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे चैप्टर 1 से लेके 3, 5, 7 7 है, ठीक है। सपोज़ करो कि यहाँ तक ही आपकी नॉवल जो है ये इससे ऊपर ऊपर चली तो आपकी नॉवल एक्सेप्ट होने के 50% चांसेस है। लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं, हम लोग यहाँ तक जो है 13 तक हम लोग मानते हैं, 13 तक नीचे नीचे चलती रही, लेकिन 13 पे जाके ये जो नॉवल है वो ऊपर आने लगी, इस लाइन से ऊपर आने लगी, तो भी आपकी नॉवल जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आप इस चीज़ ये मत सोचो कि भाई आपकी नॉवल स्टार्टिंग से तो ये इस तरीके से नीचे ही नीचे आ रही है, अब ऊपर जाएगी तो मैं नॉवल जो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। लेकिन इससे ऊपर जाना ज़रूरी है अगर आप लोग अपनी नॉवल को एक्सेप्ट कराना चाहते हो तो। तो गाइज आई होप कि अभी आप लोगों सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आप लोगों का डाउट रह गया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि भाई हमको ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर से करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो भाई वो भी आप लोग बता देना, क्योंकि अब जो वीडियोज आने वाली है वो आने वाली है भाई पॉकेट एफएम से अलग। पॉकेट एफएम के ऊपर ऑलमोस्ट सभी वीडियोज जो है, मतलब जो टॉपिक्स है वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? देखो बहुत सारी चीजें होती है, एप्लीकेशन से अर्निंग होती है, लेकिन हम लोग फिर भी यूट्यूब से कैसे पैसा कमा सकते हैं अलग तरीके से? देखो नॉर्मली हर कोई बंदा कमाता है, हर कोई नहीं मतलब जो चैनल बनाते हैं वो लोग, बहुत से लोग कमाते हैं, लेकिन फिर भी अलग तरीके से हम लोग कैसे कमा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई पॉकेट एफएम से रिलेटेड अगर अभी भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वैसे ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ पॉकेट एफएम के ऊपर, तो आप उन वीडियोस को जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो के बस अंदर बस इतना ही था, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।